अस्सलामुअलैकुम, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं हूँ सिंध में और खैरपुर में। यहाँ पर तो वैसे तमाम फसलें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन खजूर जो है वो भी एक मेजर क्रॉप है यहाँ की। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जो खजूर है उसका छुहारा कैसे बनता है और उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ। यहाँ पर जब खजूर दरख्तों पर पककर तैयार हो जाती है तो इसे उतार कर ट्रक या ट्रॉलर के ज़रिए इन भट्टों या कारखानों में लाया जाता है और रवायती तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है ताकि इसको एक लंबे अरसे के लिए महफूज किया जा सके। कारखाने में सबसे पहले इन खजूरों को शाखों से जुदा किया जाता है और फिर खुले और बड़े बर्तन में नॉर्मल पानी से वॉश किया जाता है। बेशक ये एक मेहनत तलब काम है और इसके लिए एक बड़ी मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से पहले इसको वॉश करते हैं, वॉश करके फिर उसमें तई भी डालते हैं, फिर वहाँ से पकते हैं। वो जो भट्टी है, भट्टी भी पकते हैं। छुहारे के साथ साथ खजूर भी यहाँ पर तैयार होती है और खजूर को डंग कहा जाता है, जो आधी पकी और आधी कच्ची होती है और खाने में इंतहाई लजीज होती है। ये फूड कलर है जो भट्टी में डालते हैं खजूरों के साथ, जो छुहारे का कलर है उसको देने के लिए। अगर इसके बगैर बनाएंगे तो तमाम जो खजूर है वो काली हो जाती है, तो इसकी मदद से उसका रंग जो है वो बरकरार रखा जाता है। खजूर के मुकाबले में छुहारे की लाइफ ज़्यादा होती है और इसको एक लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। धोने के बाद खजूर को प्रोसेस करने के लिए एक गर्म और उबलते हुए पानी के कड़ा में डाला जाता है, जहां पर मजीद केमिकल भी ऐड किए जाते हैं ताकि खजूर का कलर बरकरार रहे। इस बड़े और उबलते हुए कड़ा में खजूर को तकरीबन 15 मिनट के लिए उबालेंगे और उसके बाद इसको एक खुले मैदान में फैला दिया जाता है और तकरीबन 3 दिन तक इसको धूप पर ही खुश किया जाता है। तो जमीन में बिछा देंगे खुश करने के लिए। वो सामने मैदान में जो है काफी तादाद में इन्होंने बिछा के रखा हुआ है खुश करने के लिए, और जबकि यहाँ पर छोरा है वो तैयार हो रहा है, ये बॉईल करके लेके जा रहे हैं, इसको बिछा देंगे। इसको कितनी देर के लिए उबालते हैं? इसको कितनी? 15 मिनट के लिए पक जाता है। जी अच्छा, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं हर तरफ खजूर खजूर पड़ी है और खुश्क होने के लिए रखी गई है। इसमें दो तीन रंग हैं, एक खजूर है, एक छुहारा है और मज़ीद छुहारे के दो कलर हैं, एक डार्क है और एक ये एक येलोश है। येलोश वो केमिकल डाल के बनाते हैं, जबकि जो ब्लैक है वो इसका नेचुरल कलर है। इसको भट्टी में बॉयल किया गया है
अछारे बन चुके हैं। और ये अछारे बन चुके हैं, इसका रंग भी येलोइश है और ये केमिकल डालने के बाद हुआ है, और अगर केमिकल के बगैर करेंगे तो इसका रंग गाढ़ा होगा। ये खजूर है, ये खजूर है, ये कैसे तैयार होती है? ये खजूर जो है ना वो अभी आपको ढंग के लाएगा ना, हाँ हाँ, उसको भी इसी तरह खुश करते हैं यहाँ पे। ये ढंग है, हाँ जी, ये आधा कच्चा आधा पका हुआ, हाँ। ये खाने में बहुत लगे तैयार होते हैं। बाकी शानदार है, अच्छे है ना भाई, बहुत अच्छे ढोके। ये इस तरफ सारा जो है वो छुआरा तैयार हो चुका है, और जबकि जो आप कलर देख रहे हैं थोड़ा ब्राउन, लाइट ब्राउन है, ये सारी खजूर है और साथ ही नीचे ये भी छुआरा है। ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं, एक दो धूप के बाद इनको दोबारा पेटी में बंद करके और मंडी में भेज दिया जाएगा, फिर मंडी पे रेट डिसाइड होता है कि इसका मान का क्या रेट होगा। अभी ये तमाम जो छुआरा है यहाँ पर जो पड़ा हुआ है, सारा ऑर्गेनिक है, इसको प्रोसेस करने के लिए ये सिंपल इसको बॉयल किया गया है 15 मिनट के लिए और उसको फिर धूप में खुश कर लिया गया है। तो ये प्योरली ऑर्गेनिक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं आँखें बंद करके, जो कि थोड़ा वाइट कलर का होता है, यहाँ तो नहीं है, ये थोड़ी फसल है और इन्होंने अपने लिए रखी हुई है, तो इन्होंने इसको प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से प्रोसेस किया है। और खजूर भी इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है लेकिन तैयार हो चुकी है। सोबीवर सिंध में खजूर को प्रिजर्व करने या फिर प्रोसेस करने का ये एक रवायती तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ और इस दुआ के साथ के जहाँ रहें खुश रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।